नमस्कार साथियों, मैं कपिल वर्मा कर्मण्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है उसका नाम है, वैसे तो दिख ही रहे होंगे मोदी जी आपको, ठीक है ना। तो जो सेशन का नाम है वो है एडिटोरियल, ठीक है ना। उस एडिटोरियल जो है उसके उस टाइटल का नाम है फ्रॉम राजपथ टू कर्तव्य पथ, ठीक है ना। जैसे हम ग्रामर में भी डिस्कस करते हैं कि फ्रॉम और टू का जोड़ा होता है, तो वो तो हम अंदर डिस्कस करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर भी देख लीजिए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ठीक है ना। तो जो टाइटल है, हमारे टाइटल का नाम है फ्रॉम राजपथ टू कर्तव्य पथ। ये जो सेशन है ये आपके लिए नीचे दिख रहा, आगे भी और दिखेगा आपको, IBPS, SSC, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक विशेष, जो अपेक्स सुना होगा, इस बार IBPS ने चिप इन किया, उसमें IBPS रिक्रूट करेगा उसको, ठीक है ना। इसके आगे चलते हैं हम, ये देखिए एडिटोरियल जो है वो आपको देख लीजिए किस किस पर्पज से आपके लिए यूजफुल होगा, फ्रूटफुल होगा, कंड्यूसिव होगा, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। देखिए IBPS है, उसके पर्पज से SSC, MPSI, MP पटवारी, राज्य सहकारी बैंक विशेष। और जो हमारा एडिटोरियल है उस एडिटोरियल का जो टाइटल है वो है फ्रॉम राजपथ टू कर्तव्य पथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लाइव क्लास मेरी पहली लाइव क्लास है, ठीक है ना। आप अच्छे से देखें, बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेटिव होगी, बीच में जो चीजें हैं उनको आप स्क्रीनशॉट भी ले लें यदि आप अनेबल हो उसको लिखने में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये देखिए कर्मण्य एकेडमी जो ऑफिशियल चैनल है कर्मण्य एकेडमी के नाम से, तो वहां पे ऑफलाइन क्लासेस भी दी जाती हैं, ठीक है ना। तो ऑफलाइन बैचेस मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षण और ऑल कॉम्पिटिशन के जो बैचेस है वो 10 जनवरी से शुरू होंगे। समय आपका लिखा है 8 AM to 11 AM, 11 AM to 2 PM, ठीक है ना। लाइन भी बहुत जोरदार लिखी हुई है, शुरू करें अपनी तैयारी सीओर की सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ। चलिए जी, पता आपने देख ही लिया है। उसके बाद एक और सॉफ्ट कॉपी है कर्मण्य एकेडमी की, बेचेस का नाम है मध्य प्रदेश पटवारी और जेल प्रहरी, ये 11 जनवरी से शुरू है। समय आपने देख ही लिया है, टीम सेम ही रहेगी भाई। आ गई बात समझ में? नहीं आ रही, ऑफलाइन के लिए आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इससे पहले एक और चीज, जैसे ये तो हो गया कर्मण्य का पूरा ऑफलाइन जो चीजें हैं वो, यदि किसी को स्पेशल इंग्लिश इंग्लिश यदि पढ़ना है तो मेरा पर्सनल इंस्टीट्यूट भी है, द इंग्लिश गेट बिहाइंड फौजी होटल नियर चित्रकूट कॉलेज, तो वहां भी आप डिस्कस कर सकते हैं, वहां आप इंक्वायरी ले सकते हैं, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। पटवारी के बैचेस भी चल रहे हैं और IBPS के बैचेस भी चल रहे हैं, बाकी ऑफलाइन के लिए ऑल कॉम्पिटिशन के लिए आप यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं कर्मण्य एकेडमी में, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा जैसे चीजें होती है मोटिवेशनल चीजें, सबका तरीका अलग अलग होता है, कोई हिंदी के उससे करता है, कोई अलग कोई वीडियो के उससे करता है, सबका थिंकिंग अलग अलग, बोलते हैं ना 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, सबका तरीका अलग अलग होता है चीजों को एक्सप्रेस करने का, नरेट करने का। तो ये देखिए KT2K, ठीक है ना। पहले क्या थे भाई, ये वेकहम पार्क में फूड एंड बीएवरेज असिस्टेंट थे, ठीक है ना। फिर क्या हुए भाई, बार सुपरवाइजर हुए। उसके बाद क्या हुए भाई, बार मैनेजर हुए। उसके बाद क्या हुआ, फूड एंड बीएवरेज मैनेजर हुए। उसके बाद हुए असिस्टेंट मैनेजर, और उसके बाद हुए भाई जनरल मैनेजर। जबकि आपके साथ कहानी दूसरी होती है, आप पहली अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में जब आप फेल हो जाते हैं तो आप क्या कर देते हैं, पूरी तरह से आप गिव अप कर देते हैं आप, ठीक है ना। बट यू शुड नॉट थ्रो इन द टॉवल अंटिल यू अचीव सक्सेस, ठीक है ना। एंड दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेवर गिविंग अप ऑन योर ड्रीम्स। तो देख लीजिए भाई, एक से दूसरी पे गए, दूसरी पोस्ट से तीसरी पे प्रमोशन, यहाँ भी नहीं रुके, यहाँ भी नहीं रुके, यहाँ भी, आ रही बात समझ में? तो पूरी चीजें हैं भाई, स्टे स्ट्रोंग, स्टे कूल, बट नेवर गिव अप, बिकॉज लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ गाइस। सो नेवर नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स यू हैव हैड इन योर लाइफ। तो अच्छा पढ़िए, अच्छा बेंचमार्क सेट कीजिए, अच्छी लाइफ सेट कीजिए, घर वालों का नाम रोशन कीजिए। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे इसी के साथ। गिव अप नहीं करना है भाई, गिव अप को देखिए, एक और चीज मैंने बोला थ्रो इन द टॉवल, बीच बीच में सीखते भी चलेंगे। थ्रो इन द टॉवल एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है गिव अप कर देना, हार मान लेना। आप जितना सीखेंगे भाई उतना आप सीख सकते हैं, बस लूटने वाला चाहिए भाई, मैं कमी नहीं रखूंगा देने में चीजें, बस आप चीजों को कैच करते चलिए, थ्रो इन द टॉवल हो जाएगा, आ रही बात समझ में? सरेंडर हो जाएगा, कैपिचुलेट हो जाएगा, गिव अप हो जाएगा,
अच्छा गिविन भी होता है, आ रही बात समझ में? बहुत सारे लोग बोलते हैं गिवअप होता है, गिविन नहीं होता, नहीं गिविन भी होता है, आ रही बात समझ में? इन सबका मतलब है सरेंडर कर देना, छोड़ देना, हार मान लेना, आ रही बात समझ में? नहीं आ रही तो आप बोल सकते हैं यू शुड नॉट थ्रो इन द टॉवल अंटिल यू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। जिंदगी में तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आपको कामयाबी नहीं मिल जाए। और एक चीज और ध्यान रखना, जैसे लोग बोलते हैं गेट सक्सेस होता नहीं है, अचीव सक्सेस होता है। ये बारीकियां होती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। यदि आप इंटरव्यू में ऐसी चीजें करेंगे तो शायद आपने गेट सक्सेस बोला तो यू कैन बी किक्ड आउट। ओके, तो बारीकी पे ध्यान देना है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही, चलिए जी बढ़ते हैं आगे। तो जो एडिटोरियल है हमारा वो आपकी स्क्रीन पर रहा। एडिटोरियल मैं ये मानता हूं कि वेन इट कम्स टू सीओ तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ एडिटोरियल, ठीक है ना? बट माय मेन प्रायोरिटी इज टू मेक यू अवेयर ऑफ व्हाट इज द थिंग यू कैन एडिटोरियल, ठीक है ना? तो एडिटोरियल जैसे आप बोलते हैं पैसेज, जैसे आपने टेंथ में पढ़ा होगा, ट्वेल्थ में पढ़ा होगा अनसीन पैसेज, ठीक है ना? उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, हालांकि इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। तो ये पैसेज आते हैं जैसे आप एग्जाम में पढ़ते हैं, जैसे IBPS है, दो तीन पैसेज पूछ डाले तो IBPS तो पूछता ही, और पटवारी में भी पूछे जाएंगे और दूसरी जितनी भी एग्जाम्स है उसमें ये एडिटोरियल बेहद फ्रूटफुल होगा। तो इसमें क्या है, ये जो पैसेज है ना वो, जैसे आपने रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ अभी, जैसे मोदी जी की जो माँ है वो पास अवे हो गई, ठीक है ना? सी पासेज अवे एट द एज ऑफ, ठीक है ना, 100। तो वो सारी चीजें उस पर हम डिस्कस करेंगे। और मोदी जी को तो भाई कौन नहीं जानता, आ रही बात समझ में? तो वो तो इंस्पिरेशन है, ठीक है ना? ना सिर्फ मेरे भाई, पूरी दुनिया का इंस्पिरेशन है, भारत को एक नया पहचान दिलाया। तो वो सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि मैं मोदी जी को प्रेस कर रहा हूँ या एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा हूँ, आ रही बात समझ में? आई एम नॉट फॉलोइंग पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, लेकिन जो पैसेज है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। और टीचर एक आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर सकता, तो भाई मुझे गलत ना समझे, जो पैसेज में होगा मैं वो डिस्कस करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मदर लिखा हुआ है, शुरू करते हम। पहली चीज है भाई मदर, बेहतरीन वर्ड से शुरुआत हो रही है, तो समझ में आ रही बात? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मदर, ठीक है ना? तो मदर लिखा हुआ है, मदर, मदर की जो वर्ब है वो क्या है मेरे साथियों, इज है। क्या है साथियों? इज है। मदर इज नॉट जस्ट अ वर्ड इन अ डिक्शनरी, मदर एक ऐसा वर्ड है जो डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। ये सेंटेंस का मतलब है क्या भाई? मदर एक ऐसा वर्ड है जो आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। इस लाइन को आप बिलिटिल ना करें, हल्के में ना ले, ये बहुत बेहतरीन लाइन लिखी हुई है। उसके बाद फुल स्टॉप लगा, फुल स्टॉप के बाद लगा आपका इट। देखिए इट यहां पर हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया साथियों? सब्जेक्ट। अब देखिए इट होता है सिंगुलर, इट क्या होता है? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो क्या हो जाएगा? वर्ब भी सिंगुलर। जैसा कि आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है साथियों, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। और सिंगुलर बनाने के लिए हम वर्ब में क्या लगाते हैं? एस, ई एस या आई एस। क्या लगाते हैं साथियों? एस, ई एस या आई एस। तो इम्बॉडी वर्ब होता है। अब देखिए जितनी भी चीजें, ऐसा नहीं है कि पैसेज को पढ़ के 10 मिनट में खत्म करना है। पैसेज के पीछे आप कितनी चीजें सीख सकते हैं, मैंने क्या बोला, आप कितना मुझे डूब कर सकते हैं, कितना आप मुझे लूट सकते हैं, ठीक है ना? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है ना? तो आप ज्वाइन करें, सब जुड़ जाएं, अच्छे से देखें चीजों को। तो इम्बॉडी लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड, इम्बॉडी वर्ब होता है। इम्बॉडी का मतलब देखिए आप इधर, इम्बॉडी हो जाएगा आपका इंक्लूड। क्या हो जाएगा? इंक्लूड, ठीक है ना? थोड़ा सा कंप्लेंट ये है कि कर्सिव में ना लिखे, थोड़ा सा सही लिखे, तो उस पर भी सुधार किया जा रहा है, उस पर भी काम किया जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए आपको। इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद आपका इनकम्पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकम्पास, जो आप बोलते हैं ना कि एंटोनिम सिनोनिम के लिए जरूरी नहीं है कि अलग से ही कोई चैप्टर पढ़ा जाए। इसी में मैं इतनी सारी चीजें बता दूंगा कि आप, ठीक है ना, आपको लिखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, बस आप आखिरी तक ग्लूड रहे, वीडियो को अच्छे से देखें, बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर होंगी। और ऑफलाइन में जो चल रहा है वहां तो चलेगा ही। तो देखिए यहाँ पे इम्बॉडी मतलब हो जाएगा आपका इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना? इनकम्पास हो जाएगा, इसका मतलब होता है शामिल कर लेना। क्या होता है? शामिल कर लेना। तो इट के बाद जो इम्बॉडीज लिखा वो देखिए, इसमें आपको ये ऐसी चीज है भाई कि इसमें आपको टेंस भी मिलेंगे, प्रीपोजिशन भी मिलेगा, एडवर्ब भी मिलेगा, एडजेक्टिव भी मिलेगा, फ्रेजल वर्ब भी मिलेंगी, फ्रेज भी मिलेंगे, इडियम्स भी मिलेंगे, सारी चीजें इसमें मिलेंगी। आ रही बात समझ में? तो ये जो पैसेज है ये आपका एग्जाम पास करने का पूरा पैकेज,
आ रही बात समझ में? मैं समझ सकता हूँ कि जैसे थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स जैसे छोटी तैयारी वाले जैसे जैसे पटवारी, तो उसमें थोड़ा सा उनको ये लगेगा कि नहीं ये चीज हमारे काम की नहीं है। नहीं, बहुत काम की, आपको बेहद यूजफुल होगा, ठीक है ना, उसमें भी पैसेजेस आएंगे। दिक्कत होगी क्योंकि आपने ऐसे पढ़ा नहीं, आपने अलग तरीके से पढ़ा, थोड़ा सा अलग होगा पढ़ने का तरीका। तो इट इम्बोडी, इम्बोडी क्या हुआ साथियों, यहाँ पे इम्बोडी एक वर्ब हुआ और इट से इट सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब को साथ ही वर्ब में हम क्या लगाते हैं, एस, ई एस या आई एस। तो इट इम्बोडीज यहाँ पर कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इम्बोडी का मतलब होता है शामिल करना, इंक्लूड करना, इम्बोडी का सिनोनिम हो जाएगा इंक्लूड करना, इनकम्पास करना। आज तो थोड़े से मैंने अलग लिखे हैं, वर्ड्स तो दिख रहे होंगे, ठीक है ना, क्या करना, शामिल करना, आ रही बात समझ में, सम्मिलित कर लेना। तो सेंटेंस का जो मतलब है वो है इट इम्बोडीज, क्या उसमें शामिल है, गौर से देखिए, इट इम्बोडीज उसमें शामिल है क्या, इमोशंस, आ रही बात समझ में, एंड वैल्यूज, आ रही बात समझ में, लव मतलब स्नेह या प्यार, पेशेंस मतलब जो आपको बनाए रखना है जब तक आप पटवारी ना बन जाए, धैर्य, ट्रस्ट मतलब आप भरोसा, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, ये देखिए सेल्फलेसनेस, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें नाउन है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, वैल्यूज, इमोशंस। देखिए TION मैंने बताया आपको ऑफलाइन क्लास में की और ऑनलाइन में भी बताया, TION, SION, MENT या ENCE क्या होता है साथियों, नाउन होता है। तो इधर देखिए पेशेंस हो गया आपका, ENCE आ गया, देख लीजिए TION आ गया, ठीक है ना, NEESS, ये भी ऐसी चीजें भी नाउन होती है, सेल्फलेसनेस, सेक्रीफाइस मतलब त्याग बोल सकते हैं, बलिदान बोल सकते हैं, देट मेक अस। अब देखिए बेहतरीन चीज आई, ये चीज आपको ग्रामर में कहीं ना कहीं पोस्ट प्रॉब्लम टू करना पड़ सकता है, इस चीज की वजह से यू कुड बी इन ट्रबल इफ यू डोंट पे अटेंशन टू दीज लिटिल थिंग्स। तो समझिए जरा, यहाँ पे ये देट लिखा हुआ है, आ रही बात, देट होता है रिलेटिव प्रोनाउन, क्या होता है साथियों, रिलेटिव प्रोनाउन जो चीजों को जोड़ने का काम करता है। तो समझिए देट यहाँ पर सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, अरे देट सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। देखिए यहीं से मैं बता दूंगा कि एरर कैसे बनते हैं, एरर को कैसे हल किया जाता है, सारी चीजें इसमें मिलेंगी। तो समझने की कोशिश कीजिए, देट लगा हुआ यहाँ पे, देट क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो चीजों को जोड़ने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे देट सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए इमोशंस आया, क्या आया, इमोशंस, यदि इमोशंस होता और ये सारी चीजें नहीं होती, वैल्यूज, लव, पेशेंस, ट्रस्ट, सेल्फलेसनेस, सेक्रीफाइस, तो भी वो डेट होता। आपके साथ प्रॉब्लम ये है, आपने नाउन को ऐसे पढ़ा है, चीजों को ऐसे पढ़ा कि एक लड़की तो गर्ल, एक से ज्यादा लड़की तो गर्ल्स। तो आप क्या करते हैं कि एक चीज हो गई तो डेट, एक से ज्यादा चीज हो गई तो डेट्स, नहीं, ऐसा नहीं। इंग्लिश में अभी भी बता चुका हूं, इंग्लिश डज नॉट डिपेंड ऑन हिंदी, इंग्लिश डिपेंड्स ऑन सेंस। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, इंग्लिश डज नॉट डिपेंड ऑन हिंदी, इंग्लिश डिपेंड्स ऑन सेंस, याद रखिएगा इस बात को। तो इधर देखिए यदि इमोशंस आता और पूरी चीजें नहीं भी आती तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, तो भी वो डेट होगा। लेकिन इमोशंस के अलावा इतनी सारी चीजें भी आ रही तो भी वो क्या रहेगा साथियों, डेट रहेगा। तो डेट सिंगुलर को भी इंडिकेट करता है और प्लूरल को भी इंडिकेट करता है। अच्छा, अब ये मोटा भाई कैसे पता करें कि डेट सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, तो इधर देखिए वो हम पता करेंगे डेट के बाद वाली वर्ब से। किससे पता करेंगे, डेट के बाद वाली वर्ब से। अभी बताया वर्ब में आप एस लगाते हैं तो वो क्या होता है, सिंगुलर, क्या होता है साथियों, सिंगुलर। लेकिन जब आप नाउन में एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल। आ गई बात समझ में, नहीं आ रही, वर्ब में एस लगाएंगे तो सिंगुलर, नाउन में एस लगाएंगे तो प्लूरल। तो यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, मेक यहां पर आपको सिंगुलर दिख रहा है कि प्लूरल दिख रहा है, मुझे तो प्लूरल दिख रहा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे मेक क्या है, प्लूरल। प्लूरल क्यों हुआ, क्योंकि आगे देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात, एक से ज्यादा चीज अंग्रेजी में कोई हो गई तो वो क्या हो गई, नाउन में प्लूरल, क्या हो गई, प्लूरल। तो क्या सीखा भाई, देट सिंगुलर भी यदि इमोशंस आते या अकेला लव आता तो भी क्या होता, देट। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता, मेक्स, क्या हो जाता, मेक्स, क्योंकि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें क्या लगाते हैं, एस, ई एस या आई एस, और ये कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस साथियों,
सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इस बात से थोड़ा सा आप ठीक है ना ध्यान रखिएगा, इससे थोड़ा सा वाकिफ रहिएगा आप। तो डेट क्या होता है, सिंगुलर लव होता तो भी डेट आता, लेकिन उसका पता कैसे चलता कि वो सिंगुलर है, मेक का क्या हो जाता, मेक्स क्या हो जाता। और अब भी देखिए इतनी चीजें आई तो भी क्या है वो मेक, अब भी क्या है वो सॉरी डेट, क्यों है, क्योंकि डेट सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन उसके सिंगुलर और प्लूरल का पता कहां से चलेगा, वो चलेगा उसके आगे वाली वर्ब से। किससे पता चलेगा, आगे वाली वर्ब से। आया कुछ नहीं आया भाई, क्या समझे आप कि यदि यहां पर लव भी होता तो भी क्या आता डेट, लेकिन लव सिंगुलर होने का पता कहां से चलता आपको, मेक्स से। किससे चलता, मेक्स से, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाते हैं, एसीएस या आईएस। आ गई बात समझ में, तो क्या सीखा, डेट सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, उसके सिंगुलर और प्लूरल होने का पता कैसे चलेगा, उसके आगे वाली वर्ब से। ऐसा नहीं कि डेट इधर लव हो गया तो डेट कर दिया, उधर लव से इमोशंस हो गए ठीक है ना, ट्रस्ट हो गया तो डेट से कर दिया, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट आड़ा टेढ़ा ही चलता है। आ रही बात समझ में, नहीं ऐसा ब्लंडर नहीं करना है। तो डेट सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा, उसका सिंगुलर होना या प्लूरल होना वो कहां से पता चलेगा साथियों, डेट के आगे वाली वर्ब से। तो देख लीजिए मेक यहाँ पे प्लूरल क्यों है, क्योंकि इतने सारे नाउन यहाँ पर लगे हुए हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या बन गया प्लूरल, और डेट यहाँ पर कैसे काम करेगा प्लूरल की तरह। डेट मेक अस बेटर ह्यूमन बींग, जो हमें क्या करता है, बनाते हैं ये सारी चीजें क्या, ह्यूमन बींग्स, बेटर ह्यूमन बींग्स बोले तो बेहतर इंसान बोले तो, ये सारी चीजें प्यार, निस्वार्थता, सेल्फलेसनेस मतलब निस्वार्थता, वैल्यूज मतलब हमारे जो मूल्य होते हैं ठीक है ना, इमोशंस मतलब जो हमारी इमोशंस होते हैं, भावना जिनको हम बोल सकते हैं ठीक ना, उसके बाद सेक्रीफाइस, त्याग या बलिदान, धैर्य, भरोसा, ये सारी चीजें हैं जो किसी इंसान को क्या बनाती है, हमें क्या बनाती है, एक बेहतर इंसान बनाती है, क्या बनाती है, एक बेहतर इंसान बनाती है। ये एक वर्ड है, इसे आप हल्के में ना लें, इधर देखें ये वर्ड जब ऐसा आएगा, जब इसमें ई आ जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा इंसानियत, क्या हो जाएगा साथियों, इंसानियत। जब ये ह्यूमन ऐसा हो जाएगा, अभी ई नहीं है उसमें, लेकिन जब ई आ जाएगा ना तो वो हो जाएगा उसका मतलब इंसानियत। देख लीजिए इधर नहीं दिख रहा भाई, चीन की दीवार आ गई, अब तो क्लियर है रास्ता, तो क्या हो गया साथियों, इंसानियत हो गया, क्या हो गया, हुमेन ई नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा इंसान, और ई आ जाएगा तो वो हो जाएगा इंसानियत। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी चीजें होंगी। अभी बढ़ते हैं आगे, ह्यूमन बींग्स, वेन मतलब फुल स्टॉप के बाद, बींग्स के बाद फुल स्टॉप, उसके बाद वेन से नई कहानी चालू हुई। वेन मतलब होता है जब, वेन मतलब क्या होता है, जब, जब प्राइम मिनिस्टर, कौन है भाई प्रधानमंत्री हमारे, नरेंद्र मोदी, कौन है, नरेंद्र मोदी ठीक है ना, नरेंद्र मोदी के बाद इंट्रोड्यूस्ड यहाँ पे पड़ा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यदि यहाँ पर हेज हो जाता साथियों तो ये हो जाता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक चीज ध्यान रखना आप, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एक वर्ब प्ले, क्या लिखा, प्ले, फिर लिखा मैंने प्लेड, और फिर लिखा मैंने प्लेड। तो देखिए अंग्रेजी में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अंग्रेजी में 300 से अप्रोक्सीमेट, एक्यूरेट फिगर नहीं बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेट 300 से 320 वर्ब ऐसी है अप्रोक्सीमेटली, जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। लेकिन कब वो सेकेंड होगी, कब वो थर्ड होगी, उसका पता चलेगा साथियों सेंटेंस फ्रेमिंग से। किससे पता चलेगा, सेंटेंस फ्रेमिंग से। यदि मैं यहां पर मोदी के बाद हेस कर देता हूं तो यहां पर इंट्रोड्यूस्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैस के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन अभी मैं हेट कर दूं तो पास्ट परफेक्ट टेंस, और वो भी हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहां पे मैं कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता हूं तो वो बनेगा डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कौन सा टेंस कौन सी वर्ब बनेगी सेकेंड फॉर्म। तो कब वो सेकेंड होगा, कब वो थर्ड होगा, उसका पता किससे चलेगा साथियों, सेंटेंस फ्रेमिंग से। किससे चलेगा, सेंटेंस फ्रेमिंग से। तो इधर देखिए गौर से, यहां पर लिखा हुआ है वेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस की सेकेंड फॉर्म, यहां पे कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म साथियों कौन सा टेंस,
सिंपल पास्ट टेंस आ रही बात समझ में। इंट्रोड्यूस मतलब होता है अपने आप को वाकिफ कराना, अपने आप को ठीक है ना रूबरू कराना, ये सारी चीजें उसका मतलब होता है। तो मोदी इंट्रोड्यूस्ड हिज मदर, मोदी ने क्या किया, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माँ को क्या कराया, वाकिफ कराया या रूबरू कराया, आ रही बात समझ में। हिज मदर, हिज यहाँ पर मोदी जी का पजेसिव प्रोनाउन है, अरे हिज यहाँ पर क्या है, मोदी जी का पजेसिव प्रोनाउन है। हिज मदर अपनी जो माताजी हैं उनसे इस तरीके से रूबरू कराया, वाकिफ कराया। उनका नाम क्या है मदर के बाद, हीराबेन, क्या है भाई, हीराबेन विथ दीज। अब गौर से देखिए ये काम की चीज हो गई, इधर देखिए दो चीज होती है, एक होता है आपका दिस और एक होता है दीज, एक होता है दिस और एक होता है दीस। इधर देखिए जैसे मैंने बोला कि जैसे कि एक लड़का है, गौर से देखिए, जैसे ये देखिए ये कितने दिख रहे हैं आपको, एक, तो ये क्या होगा, दिस इज अ बॉय। लेकिन अब देखिए गौर से, अब कितने हो गए, अरे आप कितने हो गए, तीन, तो ये क्या हो गए, बॉयज, तो इनको क्या बोलेंगे हम, दीस। तो दिस होता है सिंगुलर, दीज होता है प्लूरल, क्या साथियों, दिस होता है सिंगुलर, दीज होता है प्लूरल। तो समझने की कोशिश कीजिए, जब ये चीज प्लूरल है तो जो आगे वाली चीज होगी वो भी कैसी होगी, प्लूरल। तो दीज प्लूरल है तो वर्ड्स भी कैसे होंगे, प्लूरल। कैसे होंगे साथियों, इतनी बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, कैसे होंगे, प्लूरल होंगे। तो दीज हर्ट फेल्ट वर्ड्स, हर्ट फेल्ट वर्ड्स मतलब दिल को छू जाने वाले, कैसे भाई, दिल को छू जाने वाले वर्ड्स, किधर किधर, वर्ड्स ऑन हर 100th बर्थडे, उसके 100वें जन्मदिन पर, किनके, हीराबेन के 100वें जन्मदिन पर। इट वॉज क्लियर, इधर देख लीजिए, इट के बाद वॉज, इट का वर्ब बना वॉज, क्या बना साथियों, इट का वर्ब वॉज, वॉज के बाद लिखा हुआ है क्लियर, देख लीजिए गौर से, क्लियर एडजेक्टिव होता है, क्लियर क्या होता है, क्लियर का मतलब हो जाएगा विजिबल, क्या हो जाएगा साथियों, विजिबल, ये भी है, अपेरेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपेरेंट साथियों, क्या हो जाएगा, अपेरेंट हो जाएगा। क्लियर का सिनोनिम क्या हो जाएगा, अपेरेंट हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, बोले तो साफ, इट वॉज ऑब्वियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर देखिए ऑब्वियस क्या हो जाएगा साथियों, ऑब्वियस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, अपेरेंट हो जाएगा, बोले तो क्लियर। तो इधर देखिए इट वॉज क्लियर, ये साफ था, इट वॉज क्लियर मतलब क्या, ये साफ था, ठीक है ना, इट वॉज क्लियर का मतलब क्या, ये साफ था कि सी वॉज हिज गाइडिंग। गौर से देखिए, गाइडिंग लाइट यहां पर बना एक फ्रेज, क्या बना यहां पर, एक फ्रेज, गाइडिंग लाइट यहां पर बना एक फ्रेज, जिसका मतलब होगा टू बी इंस्पिरेशन, क्या होगा साथियों, टू बी इंस्पिरेशन, गौर से देखिए, टू बी इंस्पिरेशन टू अदर्स, दूसरों के लिए जो प्रेरणा होती है, जो प्रेरणा स्रोत होते हैं उसको बोलते हैं भाई गाइडिंग लाइट या गाइडिंग फोर्स, गाइडिंग फोर्स भी होता है, गाइडिंग लाइट भी होता है। तो इट वॉज क्लियर, ये साफ हो गया था कि सी वॉज हिज गाइडिंग लाइट, वो उसकी क्या थी भाई, इंस्पिरेशन थी, ठीक है ना, उनके लिए प्रेरणा स्रोत थी। सी ऑलवेज इंस्पायर्ड, सी के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन सा टेंस बना साथियों, सिंपल पास्ट टेंस, साथियों कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। सी इंस्पायर्ड हिम, हिम यहाँ पे बना ऑब्जेक्टिव केस, और ये बना मोदी जी के लिए, किसके लिए, मोदी जी के लिए। सी इंस्पायर्ड, सी ऑलवेज इंस्पायर्ड हिम, उसने हीराबेन, सी काय के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, हीराबेन के लिए, जो माता जी है ना उन्होंने मोदी जी को हमेशा प्रेरित किया था, क्या किया था साथियों, प्रेरित किया था, इंस्पायर्ड हिम। देखिए टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं हम इन्फिनिटिव, क्या बोलते हैं, अरे इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव बोले तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अरे इन्फिनिटिव बोले तो साथियों टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है रास्ता चुनना, ट्रेड का मतलब क्या होता है भाई, रास्ता चुनना। टू चूज अ पाथ, टू चूज अ पाथ, ठीक है ना। तो टू ट्रेड द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो आ रही बात समझ में, जो ड्यूटी का जो रास्ता है ना
वो चुनने के लिए आ रही या ड्यूटी का जो रास्ता है ना उस पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित किया। जो माता जी है उन्होंने मोदी जी को काय के लिए प्रेरित किया कि जो आ रही जो ड्यूटी मतलब कर्तव्य पथ, ड्यूटी मतलब क्या, कर्तव्य पथ पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित किया, ये इसका मतलब है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, आप ले लीजिए, मैं इधर हट जाता हूं भाई, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया भाई, चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इधर आई नेवर लिख, क्या लिखा, आई नेवर, बेहतरीन चीज आया यहां पर हेड। अब देखिए हेड की जो कहानी शुरू होती है वो होती है हेव से, किससे होती है, हेव से। इधर देखिए हेव जो है वो मेन वर्ब भी, यदि हेव को हम डीपली पढ़े तो हेव के 46 मतलब होते हैं। कितने मतलब होते हैं, 46 मीनिंग्स होते हैं, लेकिन इतना समय नहीं है कि 46 को डिस्कस किया जाए, तो जो चीज यहाँ वाजिब है उसको ही डिस्कस करेंगे, कभी वक्त मिला तो उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहली बात ध्यान रखना, हैव मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब भी होता है, हैव मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब भी होता है। हैव जब मेन वर्ब होता है तो उसकी तीन फॉर्म होती है, हैव, हैड, हैड। गौर से देखिए जरा यहाँ पर, हैव, हैड, हैड, आ गई बात समझ में, नहीं आ रही तो यहाँ पर देखिए, हैव जब मेन वर्ब होती है, अभी बताया 46 मतलब होते हैं, लेकिन आ रही बात समझ में, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 46 के 46 मतलब को अभी डिस्कस करें, अभी जो यहां पर काम का है उसको हम डिस्कस करेंगे। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही तो इधर देखिए भाई, कितने लोग देख रहे हैं अभी, इधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई, 123 व्यूज हैं, ठीक है ना, चलिए जी आपकी मर्जी। तो देखिए, आई नेवर हैड द गुड फॉर्च्यून, यहां पर देखिए जो हेड है, अब गौर से देखिए, हेड मेन वर्ब भी, यदि आप पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा होगा आपने, तो वहां पर जैसे होता है हेड यू टेकन टी, यू हैड टेकन टी, तो वहां पे वो हेड हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आ रही बात समझ में, वो हेल्पिंग वर्ब जब होगा जब उसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, जब उसके आगे, दो सेंटेंस लिखता हूं देखना जरा गौर से आप, मैंने लिखा आई हेड टी, और हैव जब मेन वर्ब बनता है ना तो उसका एक मतलब तो हो जाएगा खाना पीना, क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपने चाय पी, आ रही बात समझ में, तो भी हैव हो जाएगा, या आपने समोसा ठूसा तो भी हैव हो जाएगा, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही तो हैव खाने पीने। अब लोग, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जैसे एक एक कॉन्ट्रोवर्सियल चीजें चलती हैं, देखिए यदि आप इंग्लिश सीखना है तो आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा, छोटे दिल से आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते, क्योंकि आप क्या है, एक एक जो आपको जो होता है ना, एक एक बचकानी हरकत, जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जैसे ड्रिंक होता है एक वर्ड, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ड्रिंक और टेक में कि ड्रिंक का यूज तो हम पानी के लिए करेंगे, ठीक है ना, और चाय का यूज टेक के लिए कर दें, जबकि मैं बोलता हूं आई एम ड्रिंकिंग टी, होता है कोनो दिक्कत नहीं है भाई। इधर देखिए, मुझे सबसे पहली चीज तो ये बताइए कि पानी को देखा आपने, वो भी तो लिक्विड फॉर्म में, चाय भी तो लिक्विड फॉर्म में, हाँ थोड़ा सा फर्क है, मानते हैं थोड़ा सा फर्क है कि कुछ लोग ड्रिंक का मतलब ये होता है कि किसी चीज को ठंडी कर कर पीना, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, और टेक जैसे चाय होता है, अब चाय, चाय को आप, ठीक है ना, अब ठंडी चीज को पीना, तो ड्रिंक का मतलब, ड्रिंक का मतलब जैसे होता है, ठीक है ना, ठंडा करना नहीं, सॉरी, ड्रिंक का मतलब होता है किसी चीज को गटागट पी जाना, क्या होता है, जैसे बोतल रखी, आ रही बात गट गट गट, आ रही बात, तो ड्रिंक हो गया। लेकिन भाई ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ ऐसी केस भी तो हो सकते हैं कि चाय को ठंडी करके गटागट पी जाए, तो पूरी चीज ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेंस, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, आप मैनिपुलेट कर सकते चीजों को, माना कि भाई ठंडी, ठीक है ना, ड्रिंक का मतलब किसी चीज को गटागट पी जाना, लेकिन चाय गर्म होती है मानते हैं, तो कोई इंसान 10 मिनट रुक के चाय को ठंडा करके भी तो पी सकता है, तो कोनो दिक्कत है उसमें, वैसे ही दिमाग कॉम्प्लिकेट कर रहे हो आप, तो ड्रिंक भी हो जाएगा, टेक भी हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा आई हैड टी, और हैव भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव भी हो। अब एक सेंटेंस देखिए, हैव मेन वर्ब भी होगा और हेल्पिंग वर्ब भी होगा, जब मेन वर्ब होगा तो उसकी तीन फॉर्म क्या होगी, हैव, हैड, हैड, आ गई बात समझ में, नहीं आ रही, तो यहां पर देखिए गौर से, यहां पर हेड जो बना, अब एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं, अच्छा जी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, स्टूडेंट ने बोला इसको मैं ऐसे कर देता हूं भाई, सॉरी टू से आई, ठीक है ना, फिर मैंने लिखा हेड, देखिए इधर भाई चीन की दीवार तो नहीं है, ये देखिए आई हेड, हेड टी,
अब गौर से देखिए दोनों सेंटेंस में फर्क देखिए आप। ये जो सेंटेंस है यहां पर हेड बना मेन वर्ब, क्या बना मेन वर्ब, मैंने चाय पी थी, और यहां पर जो हेड बना वो बना हेल्पिंग वर्ब, और ये जो टेंस है ये है सिंपल पास्ट टेंस, और ये जो हेड बना हेल्पिंग वर्ब और ये हेड बना आपका मेन वर्ब, और यहां पर इसका मतलब हो गया खाना पीना, क्या हो गया खाना पीना। तो समझने की कोशिश कीजिए यहां पर हेड बना मेन वर्ब क्यों बना, क्योंकि उसके आगे कोई आ रही बात समझ में कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, और यहां पर हेड हेल्पिंग वर्ब बना क्योंकि यहां पर वर्ब की ये वाली थर्ड फॉर्म यहां पर आ गई। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? तो कैसे पहचानेंगे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को, जब आगे मेन वर्ब होगी तो वो हैव हैड हैड हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज आएगा, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट में हैड आएगा, और अकेला हैड आएगा वो आएगा सिंपल पास्ट टेंस में। तो आपको ये पहचानना है कि कब वो मेन वर्ब होगी कब वो हेल्पिंग वर्ब होगी, उसका पता किससे चलेगा, सेंटेंस फ्रेमिंग से। यदि आगे हेल्पिंग वर्ब आगे मेन वर्ब होगी तो वो हेल्पिंग वर्ब बनेगी, और यदि आगे कोई मेन वर्ब नहीं होगी तो वो डायरेक्ट बन जाएगी मेन वर्ब, क्या बन जाएगी मेन वर्ब। तो गौर से देखिए यहां पर हेड जो है ना वो आगे आपको कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही क्या? मुझे तो नहीं दिख रही भाई, दा दिख रहा मुझे तो सीओर की फेवरेट डिस आर्टिकल। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? तो देखिए यहां पर अब एक हैव का मतलब तो खाना पीना बता दिया, एक हैव होता है पजेशन वर्ब, क्या होता है पजेशन वर्ब। याद करो पांचवी क्लास के वो दिन जब दीदी ने आपको काव का निबंध पढ़ाया था, आई हैव अ काव, आई हैव अ काव, द काव हैज टू लेग्स। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? तो वो जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ, ठीक है ना, आई हैव अ होम, आई हैव अ मोबाइल फोन, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ चेयर, आई हैव अ रूम। आ रही बात? तो वो हैव पजेशन वर्ब होता है, उसका मतलब कोई चीज अपने पास होना, कोई चीज अपने पास होना। तो यहां पर पजेशन वर्ब बन रहा हेड, हैव का पास्ट हो गया हेड, ठीक है ना, तो ये पास्ट में जा रहा। आई नेवर हैड द गुड फॉर्च्यून, इसका मतलब होगा भाई मेरा कभी भी इतना अच्छा सौभाग्य नहीं रहा। क्या भाई इसका मतलब क्या होगा? मेरा क्या साथियों, मेरा कभी भी इतना अच्छा सौभाग्य नहीं रहा। काय का गुड फॉर्च्यून, ऑफ ऑफ के बाद क्या आता है जिरंड, देखिए आई एन जी क्या हो जाएगा जिरंड। अंग्रेजी में टू को छोड़कर जितनी भी प्रीपोजिशन आती है उसके बाद क्या आता है साथियों, जिरंड। अरे क्या आता है जिरंड। ऑफ मीटिंग हीरा बेन का क्या करने का, मेरा कभी भी इतना अच्छा सौभाग्य नहीं रहा हीरा बेन से मिलने का, मीटिंग हीरा बेन। बट वेन, किंतु जब, आई मेट, मीट की सेकेंड फॉर्म बनी मेट, क्या बनी मेट। When I met, किंतु जब मैं मिला, तो the reverence, देखिए गौर से ENC क्या बताया मैंने आपको, noun, क्या बताया noun। इधर देखिए जरा यहाँ पर गौर से, river होता है verb, वो river गंगा वाला river होता है, ये river है साथियों, river मतलब होता है respect करना, verb की third form से adjective बन जाता है, याद रखिएगा। river का adjective हो गया rivered, क्या हो गया रिवर्ड, रेस्पेक्टेड, और रिवर का नाउन हो गया रिवरेंस, क्या हो गया रिवरेंस। आज तो दिख रहे हैं भाई वर्ड, रिवर वर्ब, रिवर्ड एडजेक्टिव, रिवरेंस नाउन। तो भाई मोदी जी पे चल रहा है, बिल्कुल स्किप ना करें, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी भाई। मोदी जी मेरे ही नहीं, बहुत पूरी दुनिया के इंस्पिरेशन है भाई, तो उनको कभी स्किप ना करें, एक बार मुझे कर दीजिए आप। तो द रिवरेंस क्या हो गया यहाँ पे नाउन, ठीक है ना। तो वो जो इज्जत, जो सम्मान, रिवरेंस मतलब सम्मान, द रिवरेंस एंड अफेक्शन, बोले तो लगाओ, बोले तो लगाओ एंड अफेक्शन। ही एक्सप्रेस्ड, जो उसने जताया, एक्सप्रेस मतलब होता है क्या करना, एक्सप्रेस मतलब बयां करना, जाहिर करना, जताना। तो वो सम्मान और लगाव जो उसने जताया किसके लिए, एक्सप्रेस्ड फॉर हर। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? उसके लिए ड्यूरिंग आर मीटिंग, हमारी मुलाकात के दौरान, यहां पर मीटिंग बन गया नाउन। यहां पर देखिए अंग्रेजी का यही तो करिश्मा है, यहां पर मीटिंग बन गया वर्ब का जिरण और यहां पे मीटिंग बन गया नाउन। मैंने बताया था एक बार कि हर आई एन जी जिरण नहीं होता, कुछ आई एन जी नाउन भी होते हैं। आ रही बात समझ, जैसे द ओपनिंग, द सेलिंग, द बिगिनिंग, द फंक्शनिंग। तो यहां पर मीटिंग हो गया नाउन, आर मीटिंग,
हमारी मीटिंग के दौरान, आर मीटिंग, गेव, गिव की सेकेंड फॉर्म हो गई गेव, क्या हो गई साथियों, गेव। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर वो कॉन्सेप्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन गिव की सेकेंड फॉर्म हो गई गेव, तो देखिए सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन सा टेंस बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस। आर मीटिंग, हमारी मीटिंग के दौरान गेव मी अ विविड, विविड का मतलब हो जाएगा अट्रैक्टिव, क्या हो जाएगा साथियों, अट्रैक्टिव हो जाएगा, या फिर हो जाएगा, इसको मैं साफ कर देता हूं, अट्रैक्टिव हो जाएगा, लाइवली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, लाइवली हो जाएगा साथियों, मतलब शुद्ध हिंदी में बोले तो जीवंत, या बोले तो जीता जागता, क्या हो जाएगा साथियों, अट्रैक्टिव हो जाएगा, इधर देखिए, फिर हो जाएगा आपका लाइवली, क्या हो जाएगा लाइवली, बोले तो जीता जागता, बोले तो क्या साथियों, जीता जागता, ग्लिम्स का मतलब हो जाएगा झलक, ग्लिम्स का मतलब क्या हो जाएगा, झलक, तो उसने मुझे दी एक जीती जागती झलक, आ रही बात समझ में, गेव मी अ विविड ग्लिम्स, उसने मुझे दी एक जीती जागती झलक, इंटू हीरा बेंस, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब हो जाएगा काया की, क्या हो जाएगा काया की, किसमें, इंटू हीरा बेंस रिमार्केबल, रिमार्केबल मतलब आप देखिए सीख सकते हैं आप, आउट क्लास हो जाएगा, क्या हो जाएगा आउट क्लास हो जाएगा, इधर देखिए फेब्यूलस हो जाएगा, क्या हो जाएगा फेब्यूलस हो जाएगा, ठीक है ना, इधर देखिए फेंटाबुलस हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों फेंटा बुलस हो जाएगा, इधर देखिए, अरे पेंटाबुलस हो जाएगा, ठीक है ना, फ्लेवर गास्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों फ्लेवर गास्टेड हो जाएगा, देखिए सीखिए आप, फ्लेवर गास्टेड हो जाएगा, नॉन प्लस्ड हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा नॉन प्लस्ड हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद आपका अमेजिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमेजिंग हो जाएगा, चलो इधर देखिए फेंटाबुलस हो जाएगा, फ्लेवर गास्टेड हो जाएगा, नॉन प्लस्ड हो जाएगा, अमेजिंग हो जाएगा, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, ये हो जाएगा अमेजिंग हो जाएगा, बैम्बूजल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बैम्बूजल्ड हो जाएगा, अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इनका मतलब तो कंफ्यूज्ड होना होता है, नहीं भाई हर चीज के दो पहलू होते हैं, यदि आप समझेंगे ना तो बहुत, देखिए मैंने क्या बोला, अंग्रेजी सीखने के लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा, देखिए किसी भी चीज का दो पहलू होता है, जैसे मैंने ये बोला कि इधर देखिए, जैसे मैंने एक स्टूडेंट हुआ, मैंने उसको टेंस पढ़ाया, ठीक है ना, मैंने बताया भाई सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट, फिर मैंने पूछा भाई क्या होता है, सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट, के बाद थर्ड फॉर्म प्रेजेंट को, तो वो क्या है पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, क्या है कंफ्यूज्ड है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ही इज बैम्बूजल्ड, क्या बोल सकते हैं, ही इज बैम्बूजल्ड हो जाएगा, ही इज अमेजिंग हो जाएगा, ही इज ठीक है ना फेंटा, ही इज फ्लेबरगास्टेड हो जाएगा, ही इज नॉन प्लस्ड हो जाएगा, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन जैसे आपने एक चीज और देखी, देखिए ये तो हो गया नेगेटिव मतलब उसका कंफ्यूज, लेकिन एक चीज होती है जैसे आपने कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए ठीक है ना, इफ आई टॉक अबाउट एनी सेलिब्रिटी, मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए जोनी डेफ किधर गए, बीच पे गए उन्होंने, ठीक है ना, अभी जैसे उनका कुछ एक वो चल रहा मुकदमा, उससे वो बाहर आए, तो कौन सी मूवी है उसमें पहली बार वो, ऐसा कुछ मैंने ऊपरी पढ़ा है, आई एम नॉट गुड एट जनरल नॉलेज स्टिल आई कैन मैनेज, तो वहां पे चीजें ऐसी हैं कि जैसे वो कहीं पर गए अच्छी जगह बीच पर गए, उन्होंने अपने फोटो ठीक है ना सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, तो जैसे उनके जो ग्रुप के लोग हैं, हमारे यहाँ अलग होता है भारत में, फेसबुक में नाइस कूल ठीक है ना झमाझम, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना सदाबहार, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, और अलग भाई की झलक सबसे अलग, लेकिन वहां ऐसा छिचोरापन नहीं होता, वहां पर वो लिखेंगे सेलिब्रिटी बैम्बूजल्ड, क्या लिखेंगे बैम्बूजल्ड, या आपने एक चीज और देखी होगी
ठीक है ना, तो वहां बेम्बुजल्ड का मतलब हक्का बक्का करना नहीं है, वहां पे मतलब ऐसा वो बेम्बुजल्ड ये मतलब दे रहा कि जैसे हम कोई चीज देखते हैं ना तो एकदम बिल्कुल सरप्राइज में रह जाते हैं। जैसे किसी इंसान ने बहुत अच्छे कपड़े पहने तो हम ऐसे देखते रहो और क्या तो कपड़े पहने यार। आपने एक टेलीविजन पे, टीवी नहीं होता टेलीविजन, आ रही बात, मैंने क्या बोला, इंटरव्यू में ये गलती करेंगे तो किक्ड आउट किए जा सकते हैं आप। तो जैसे वहां पर चीजें होती, टेलीविजन पे एक एडवर्टीजमेंट आता है सीएट का करके, सीएट टायर का, तो जब वो गाड़ी घुमाता तो देखना जैसे एक बंदा होता तो वो ऐसे देखता रहता, तो वो पूरी तरह से बेम्बुजल्ड हो जाता कि यार क्या तो गाड़ी घुमाई बंदे ने, या क्या तो सर्विस दे रहा ये टायर, आ रही बात समझ में नहीं आ रही। तो वो पॉजिटिव बेम्बुजल्ड है, क्या है वो पॉजिटिव बेम्बुजल्ड, तो उसे बोलते हैं वहां पे वो उसका मतलब कंफ्यूज नहीं होगा। वहां पे जैसे उसने लिखा जॉनी डेप के पोस्ट पे कि बेम्बुजल्ड, तो ये हो गया शानदार जबरदस्त। तो नेगेटिव सेंस देगा तो कंफ्यूज होगा, पॉजिटिव देगा तो शानदार जबरदस्त देगा। तो यहाँ पे रिमार्केबल मतलब हो जाएगा आपका, ठीक है ना, आउट क्लास हो जाएगा, ये अलग चीज है, ये विविट के सिनोनिम में आउट क्लास हो जाएगा, फेबुलस हो जाएगा, फेंटाबुलस हो जाएगा, ठीक है ना, फ्लेवर गास्टेड हो जाएगा, नॉन प्लस्ड हो जाएगा, अमेजिंग हो जाएगा, बैम्बुजल्ड हो जाएगा, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना। फिर हो जाएगा आपका फिनोमिनल, क्या हो जाएगा फिनोमिनल हो जाएगा, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मेस्मराइजिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेस्मराइजिंग हो जाएगा, मार्वलस हो जाएगा, सुपर हो जाएगा, एक्सलेंट हो जाएगा, आ रही बात समझ में। इतनी सारी चीजें आप सीखिए, तो रिमार्केबल एंड 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 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे बोलते हैं ना, उससे एग्जाम पास नहीं होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। और जबरदस्त पर्सनालिटी, तो ये यहाँ पे वो ये बोल रहा है पूरे सेंटेंस का मतलब कि मेरा इतना अच्छा सौभाग्य तो नहीं रहा हीराबेन से मिलने का, लेकिन जब मैं उनसे मिला तो जो सम्मान और जो लगाव उन्होंने एक्सप्रेस किया, ठीक है ना, ये मतलब उनकी माता जी के लिए जब मोदी जी वो किया हमारी मीटिंग के दौरान, तो उसने मुझे एक झलक दी हीराबेन के शानदार और जबरदस्त और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी की, आ रही बात समझ में नहीं आ रही। तो ये चीजें हैं भाई। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक चीज होती है कि लोगों को और अदर स्किल्स भी आने चाहिए, शेरो शायरी और ये सारी चीज, ठीक है ना, तो भाई ज्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन एक आध शेरो शायरी मैंने पढ़ा है, ठीक है ना, सुना देता हूँ, थोड़ा बहुत जमे तो याद रख लीजिएगा भाई। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, जब मैं वहां पहुंचा तो वही लोग कहने लगे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, वाह वाह इरशाद। इधर देखिए भाई, थोड़ा बहुत कर लेता हूं मैं, इधर देखिए स्पीकिंग, जब भी कोई सा सेंटेंस भाई वर्ब से चालू होता है तो वो होता है जिरंड से, याद रखिएगा, जब भी कोई सा सेंटेंस वर्ब से चालू होगा तो वो होगा जिरंड से। जिस वर्ड के आखिरी में एलवाई आ गया साथियों, वो बन जाता है एडवर्ब, जैसे हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्केयर्सली, एसिडुअसली, डिलीजेंटली, फेबुलसली, अमेजिंगली, विराट कोहली ली, ब्रेटली, सेन वॉर्नली, एलवाई तो आ रहा ना भाई, ठीक है ना, तो क्या हो गया एडवर्ब। तो फोनली, देखिए स्पीक के साथ दो प्रीपोजिशन आती है, टू आएगा तो उसका मतलब किसी पर्सन से बात करना, जैसे मैंने बोला आई स्पीक टू माई फादर इन इंग्लिश, तो यहाँ पे मैं मेरे पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, मेरे पिताजी से बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने बोला आई स्पीक ऑफ माई पेरेंट्स, तो यहाँ पे मैं उन पर बात कर रहा हूँ, वो नहीं है, उनकी गैर हाजिरी में, उनकी इन द अब्सेंस ऑफ माई फादर आई एम टॉकिंग अबाउट माई फादर, ठीक है ना, तो मैं उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बात कर रहा हूँ। तो समझने की कोशिश कीजिए भाई मेरे, कि यहाँ पर क्या हो गया, फोनली लिखा हुआ है, फोनली मतलब हो गया, फोन्ड एडजेक्टिव होता है, फोन्ड के साथ ऑफ आता है, फोन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन होना, समय कम है भाई, ठीक है ना, तो फोन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन होना, फोन्ड का एडवर्ब हो गया फोन्डली। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि बात करते हुए या बोलते हुए, फोन्डली मतलब क्या भाई, बड़े प्रेम पूर्वक या बड़े ही एक जो भाव होता है उससे वो बात करते हुए, किस पर, उसकी मदर के बारे में, किसकी, मोदी जी की, द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बाद रिमार्क की सेकेंड फॉर्म हो गई साथियों, रिमार्क्ड, क्या हो गई रिमार्क, रिमार्क मतलब होता है टिप्पणी करना। मैंने अभी बताया किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, किसी भी चीज के क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं, आ रही बात समझ में, पॉजिटिव पहलू, नेगेटिव पहलू। यदि रिमार्क को आप पॉजिटिव वे में लेंगे ना, तो यहाँ पे मोदी जी की जो टिप्पणी है उनकी माता जी पर, तो वो नेगेटिव तो नहीं होगी साथियों, कैसी होगी, पॉजिटिव। लेकिन एक रिमार्क टिप्पणी ऐसा होता है, देखिए इसके सिनोनिम सीखिए पहले, तो टेक अ डिग, क्या हो जाएगा साथियों, टेक अ डिग हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा हिट आउट, ठीक है ना, उसके बाद आपका हो जाएगा लेस आउट,
ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाएगा कंडेम्न, क्या हो जाएगा साथियों, कंडेम्न। उसके बाद आपका हो जाएगा स्लेम। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे इनका मतलब तो क्रिटिसाइज करना, भाई क्रिटिसाइज करने से पहले आप उन पर टिप्पणी, क्रिटिसाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, टिप्पणी तो करते हैं उन पर पहले। तो टिप्पणी करने का एक मतलब क्रिटिसाइज करना भी होता है, क्रिटिसाइज का एक मतलब टिप्पणी करना भी होता है। अरे आप किसी की आलोचना करेंगे तो उससे पहले उस पर टिप्पणी तो करेंगे कि मोटे भाई ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे, तो आपने टिप्पणी की है जब ही तो आलोचना की। तो टिप्पणी करना मतलब क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिसाइज मतलब टिप्पणी करना। तो देखिए रिमार्क पॉजिटिव, टिप्पणी यहां मोदी जी कर रहे तो पॉजिटिव है, लेकिन उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि यहां पे जैसे कि अभी जैसे कि मोदी जी गए उनकी माता जी के फनरल में, तो वहां पे जैसे ठीक है ना, जो है बात वो बोल रहा हूं मैं कि जैसे मान लीजिए कांग्रेस के जो टॉप ब्रास है उन्होंने बोला कि एक सूतक कोई चीज होती है कि उनमें उसके बाद सूतक थे, उन्होंने उस चीज का कोई चीज का अनवेल किया उन्होंने, ठीक है ना। तो वहां पे वो एक चीज है, तो उन्होंने टिप्पणी की, तो वहां बोल सकते हैं कि राहुल टेक्स डिग एट नरेंद्र मोदी, या राहुल लेसेज आउट एट नरेंद्र मोदी, राहुल स्ट्रोंगली कंडेम्स नरेंद्र मोदी। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? राहुल स्ट्रोंगली स्लेम्स नरेंद्र मोदी। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? तो ये सारी चीजें आप बोल सकते हैं कि राहुल हिट्स आउट एट नरेंद्र मोदी। तो टिप्पणी करना, तो रिमार्क मतलब टिप्पणी करना, उसके सिनोनिम हो जाएंगे टेक अ डिग, हिट आउट, लेस आउट एट, कंडेम्न हो जाएगा। आ रही बात समझ में? एट लगा लीजिए इसके साथ भी एट, समबडी, ठीक है ना, समबडी हो जाएगा, समबडी हो जाएगा, कंडेम्न समबडी, स्लेम समबडी। आ रही बात समझ में? तो टिप्पणी पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। तो देखिए इधर प्राइम मिनिस्टर रिमार्क्ड ऑन हाउ एक्टिव सी रिमेंड, उसने प्राइम मिनिस्टर ने ये टिप्पणी की कि वो कितनी 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 एक्टिव थी, कितनी अजाइल थी, कितनी फुर्तीली थी वो। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? डेस्पाइट, देखिए पढ़ाया है डेस्पाइट के बाद साथियों डायरेक्ट क्या आता है, जिरण। एक चीज बताई थी मैंने आपको, इधर देख लीजिए ये, अरे यार चलिए ठीक है आप सीख लीजिए, इसको आपने सीख ही लिया होगा। देखिए इधर डेस्पाइट होता है और एक होता है इंस्पाइट, साथियों क्या होता है, डेस्पाइट और एक होता है इंस्पाइट। इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, डेस्पाइट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, लेकिन एरर होता है तो डेस्पाइट के साथ ऑफ देता है, इंस्पाइट के साथ ऑफ नहीं देता। दोनों के बाद जिरंड आता है, जिरंड बोले तो वर्ब का आईएनजी। डेस्पाइट टचिंग द माइल स्टोन ऑफ 100 ईयर्स, अब माइल स्टोन हिंदी डिक्शनरी में जाएंगे तो भाई उसका मतलब होगा मील का पत्थर, और हिंदी डिक्शनरी कभी नहीं चाहती कि आपको अंग्रेजी आ जाए, ये बात भी तय है। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं कि हर बार गलत होगी, समटाइम्स इट इज रॉन्ग, समटाइम्स इट इज ठीक है ना, राइट। लेकिन आप हिंदी से आप अंग्रेजी में मतलब नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए भाई डेस्पाइट के बाद डायरेक्ट जिरण आया नहीं आया, डेस्पाइट के बाद भी जिरण आता है, इंस्पाइट के बाद भी जिरण, इंस्पाइट ऑफ के बाद भी जिरण आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए माइल स्टोन का मतलब होता है अचीवमेंट, क्या होता है अचीवमेंट। तो क्या करने के बावजूद डेस्पाइट टचिंग द माइल स्टोन और 100 ईयर्स, मतलब जो 100 साल का जो अचीवमेंट है ना उसको छू जाने के बावजूद भी वो इतनी एक्टिव थी, इतनी अजाइल थी, इतनी फुर्तीली थी, आ रही बात, इतनी सक्रिय थी। ये कौन बता रहा है, नरेंद्र मोदी इस बात की टिप्पणी कर रहे हैं उन पर कि किस बात की, कि वो 100 साल का जो अचीवमेंट है उसको छू जाने के बावजूद, उसको टच करने के बावजूद भी कि वो इतनी एक्टिव थी, इतनी अजाइल थी, इतनी फुर्तीली थी कि सी स्टिल मेड इट अ पॉइंट। वो उसने क्या किया था, हमेशा देखिए, अब ये मैंने अभी एरर पढ़ा था मैं कुछ दिन पहले, पॉइंट के साथ क्या आता है, टू आता है, पॉइंट टू मतलब इशारा करना, सी स्टिल मेड इट अ पॉइंट, उसने इशारा किया था टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये बना इन्फिनेटिव, टू वॉच द न्यूज, न्यूज देख लीजिए अनकाउंटेबल नाउन होता है, गौर से याद रखिएगा न्यूज क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंट न्यूज से पहले कभी भी एन नहीं आएगा, द दिख जाएगा आपको, अरे न्यूज से पहले ए एन नहीं आएगा, द दिख जाएगा। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, न्यूज का प्लूरल बनता है न्यूज आइटम, क्या बनता है साथियों, न्यूज का प्लूरल बनता है न्यूज आइटम्स, अरे क्या बनता है, न्यूज का प्लूरल बनता है न्यूज आइटम्स, क्या बनता है न्यूज आइटम्स। तो उसने इशारा किया टू वॉच, यहाँ पे बना इन्फिनेटिव, टू के बाद वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, देखने के लिए न्यूज, न्यूज से पहले एन नहीं आएगा, द आएगा, ठीक है ना, द न्यूज एंड केप्ट हरसेल्फ इन्फॉर्म्ड अबाउट। और क्या किया, इधर देखिए एंड के इधर यहाँ पे मेड क्या बना, सेकेंड फॉर्म। तो
तो एंड के इधर सेकंड फॉर्म, तो एंड के इधर भी सेकंड फॉर्म, एंड केप्ट हरसेल्फ इन्फॉर्म्ड अबाउट, और हमेशा अपने आप को क्या रखती थी, वो वाकिफ रखती थी, अपने आप को रूबरू रखती थी, अपने आप को जागरूक रखती थी इस बात को लेकर कि व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में आखिर चल क्या रहा है, मोदी जी किधर घूम रहे हैं, आ रही बात समझ में, रसिया किधर कर रहा है, यूक्रेन ने कितने ट्रूप्स उड़ाए रसिया के, 63-80 हो गई भाई डेड टोल की संख्या, आ रही बात समझ में। इधर सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं मान रहा है कि भाई ठीक है ना, मूवी गोयर्स है ना, वो बाहर से अपने लिए खाने पीने की चीजें नहीं ला सकते, हाँ लेकिन यदि बच्चे अपने साथ है तो उनके लिए घर से ले जा सकते हैं वो, लेकिन भाई ऐसा मत करना बच्चे के साथ, आप भी बच्चे बन जाओ, नहीं हमारा भी रख लेते हैं साथ में, हाँ बाकी जो 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 थिएटर्स वाले उनको ठीक है ना, उनको दे विल हैव टू प्रोवाइड वाटर्स फ्रीली, उनको फ्री में वाटर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है ना, पानी बेच नहीं सकते आप अंदर, ये सुप्रीम कोर्ट ठीक है ना, जो डीवाई चंद्रचूड़ है उनका फैसला है ये, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर देखिए भाई, अराउंड द वर्ल्ड हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, तो वो इतनी मतलब अपने उन्होंने ये भी इशारा किया वो न्यूज देखने के लिए, और हमेशा अपने आप को रूबरू रखती थी, वाकिफ रखती थी, जागरूक रखती थी कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है, आ रही बात समझ में नहीं आ रही। तो ये है, तो इसका पूरे का मतलब ये है कि भाई बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम पूर्वक अपनी माता जी पे बोलते हो, नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी की कि वो 100 साल का अचीवमेंट टच करने के बाद भी कितनी एक्टिव थी, आ रही बात कि वो हमेशा हमेशा ठीक है ना अपने आप को वाकिफ रखती थी और हमेशा इस बात की तरफ इशारा करती थी, ठीक है ना, ये हमेशा ये सेंस क्रिएट करती थी न्यूज देखने के लिए या खबर जानने के लिए, ठीक है ना, और हमेशा अपने आप को वाकिफ रखती थी, जागरूक रखती थी कि भाई आखिर दुनिया में चल क्या रहा है, आ रही बात समझ में। हैपन मतलब होता है अकर, अरे हैपन मतलब क्या होता है, टू अकर, बोले तो होना, बोले तो होना, या हो जाएगा आपका टेक प्लेस, क्या हो जाएगा साथियों, टेक प्लेस, आ गई बात समझ में, नहीं आ रही, चलिए जी इतना आया आपको। चलिए इधर देखिए एक और शायरी सुन लेते हैं भाई, यदि सुने तो आप क्या बोलते हैं भाई, नहीं है जमीने पैरों के नीचे, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, नहीं है जमीने पैरों के नीचे, आसमां पर टांगता हूं, नहीं है जमीने पैरों के नीचे, आसमां पर टांगता हूं, मुनासिब जो लगे, मुनासिब जो लगे वो दे देना मोला, मेरा क्या, मैं तो कुछ भी मांगता हूँ। वाह वाह, इरशाद इरशाद। इधर देखिए भाई, ही टोल्ड मी, ही के बाद टेल की सेकेंड फॉर्म हुई टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट हीरा बेन ऑलवेज एम्फेसाइज्ड, इधर देखिए गौर से, एम्फेसाइज होता है वर्ब, साथियों एम्फेसाइज क्या होता है, वर्ब, गौर से देखिए, एम्फेसाइज होता है वर्ब और एम्फेसिस होता है नाउन, अरे एम्फेसाइज होता है वर्ब और एम्फेसिस होता है नाउन, तो समझने की कोशिश कीजिए, जब एम्फेसाइज वर्ब बनेगा तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, लेकिन जब एम्फेसिस नाउन बनेगा तो उसके साथ ऑन आएगा, जैसे मैंने बोला आई एम्फेसाइज्ड माय स्टडी, मैंने अपने पढ़ाई पर जोर दिया, लेकिन आई पुट एम्फेसिस ऑन माय स्टडी, आई ले एम्फेसिस ऑन माई स्टडी, तो यहाँ पुट बना वर्ब, ले बना वर्ब और एम्फेसिस क्या बन गया, नाउन, तो एम्फेसाइज वर्ब, एम्फेसिस नाउन, जब वर्ब बनेगा तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, नाउन बनेगा तो ऑन आएगा, तो समझने की कोशिश कीजिए, एम्फेसाइज वर्ब, एम्फेसिस नाउन, यहाँ पे एम्फेसाइज वर्ब बना, ये मत देखिए कि मोटा भाई इधर तो जेड, इधर तो ऐसा आ गया, नहीं वो लिखने का है, लिखने पे एम्फेसाइज ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, एक ऐसा भी होता है डी लगा देंगे और एक ऐसा भी होगा एम्फेसाइज्ड, दैट उन्होंने जो यहाँ पे एम्फेसाइज्ड काय का काम कर रहा, वर्ब का, तो जोर दिया वो प्रोनंसिएशन से पता चलेगा, किससे पता चलेगा, प्रोनंसिएशन से, कि एम्फेसाइज दैट पब्लिक लाइफ, जो लोगों की जिंदगी ना, मस्ट के बाद बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बना पैसिव वॉइस मॉडल वर्ब का, कि जो इंसान की जो जो लोगों की जो जिंदगी है ना, उसको क्या किया जाना चाहिए, उसको आ रही बात समझ में, उसको मार्गदर्शित किया जाना चाहिए, उसको उसका संचालन किया जाना चाहिए, किसके साथ भाई, विद प्रोबिटी, बोले तो ईमानदारी से, प्रोबिटी मतलब हो जाएगा इंटीग्रिटी, क्या हो जाएगा साथियों, इंटीग्रिटी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑनेस्टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, ऑनेस्टी हो जाएगा, या अनक्वेश्चनेबल लीडरशिप हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, अनक्वेश्चनेबल लीडरशिप हो जाएगा, अनक्वेश्चनेबल लीडरशिप हो जाएगा, आ रही बात, ईमानदारी के साथ, सत्य निष्ठा के साथ, डेट एट वर्क की काम पर, वन मस्ट बी वाइज, किसी को भी वाइज मतलब हो जाएगा प्रूडेंट, सेंसिबल, आ रही बात समझ में, समझदार होना चाहिए, एंड
थॉटफुल ये भी एडजेक्टिव है, विचारशील होना चाहिए। वाइल के बाद जिरंड आता है, अंग्रेजी में टू को छोड़कर जितनी भी प्रीपोजिशन उसके बाद साथियों क्या आता है, जिरंड। वाइल स्पीकिंग ऑफ हिज मदर, बात देखिए स्पीक ऑफ आएगा तो किसी पर बात करना, और स्पीक टू मतलब किसी से बात करना, तो वाइल के बाद जिरंड आता है। वाइल स्पीकिंग ऑफ हिज मदर, अपनी माता जी पर बोलते हुए, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो टोल्ड मी, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ये भी बताया, टोल्ड मी ऑफ हिज मीटिंग्स, उसकी उनकी मुलाकातें जो हुई ना उनके बारे में बताया, विथ माई रिवर्ल्ड मदर। आ रही बात, जो रिवर्ल्ड यहाँ पे बना एडजेक्टिव, देखिए एडजेक्टिव नाउन को डिनोट करता है, मदर यहाँ पे बना नाउन और रिवर्ल्ड बना यहाँ पर एडजेक्टिव। तो किसके बारे में जो मुलाकातें हुई, किसके बारे में, जो रेस्पेक्टेड मदर के साथ जो मुलाकात हुई उनके उनके बारे में, ठीक है ना। इंदु जैन शायद ये लिख रही हैं, ही सेड, उन्होंने कहा भाई कि ही शेयर्ड हिज फिलोसॉफी, फिलोसॉफी का मतलब हो जाएगा भाई प्रिंसिपल, क्या हो जाएगा प्रिंसिपल्स, बोले तो सिद्धांत क्या हो जाएगा, चलिए मैं थोड़ा सा आराम से लिख देता हूँ, प्रिंसिपल्स हो जाएगा। एक फिलोसॉफी तो आप जानते हैं दर्शन शास्त्र भाई, ठीक है ना, प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, सिद्धांत तो हो जाएगा या फिर एक दर्शन शास्त्र हो जाएगा। तो उसके जो सिद्धांत तो उसकी जिंदगी के मेरी मदर के साथ, तो इसका पूरा मतलब यह है कि उसने ये भी बताया कि जो हीराबेन है ना उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि जो लोगों का लोगों की जो जिंदगी है ना उसका संचालन, उसका जो मार्गदर्शन है वो बड़ी सत्यनिष्ठा से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी कर्तव्य परायण से किया जाना चाहिए, और काम पर हमेशा आपको समझदार होना चाहिए, विचारशील होना चाहिए। बात करते हुए अपनी मदर पर, जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने मुझे उनकी जो मुलाकातें हुई, ठीक है ना, रेस्पेक्टेड मदर के साथ, वो भी बताया, और उन्होंने से उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी जो ठीक है ना जो अपनी जो सिद्धांत है जिंदगी के वो भी शेयर किए अपनी माता जी के साथ, ठीक है। तो आज इतना ही भाई, समय की सीमा है, ठीक है ना। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो चलता रहेगा। और इसका जो PDF है अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, यदि कल समय मिला तो मैं इसको पूरा करूंगा, बहुत बेहतरीन पैसेज है, बहुत सारी चीज़ें सीखने की है। कल फिर मिलते हैं, ठीक है ना। इसका जो PDF है वो आपको जो ये जो चैनल है इसकी, ठीक है ना, इस पर जो आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं, टेलीग्राम पर जाकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद साथ बने रहने के लिए।